पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया, जिसका नेतृत्व समिति के जिला अध्यक्ष दिनेश मणि त्रिपाठी ने किया। प्रदर्शन कर रहे समिति के सदस्यों का कहना था कि सरकार संवेदनशीलता से विचार कर सकारात्मक निर्णय ले, जिससे शिक्षक कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समिति के जिला अध्यक्ष दिनेश मणि त्रिपाठी ने बताया, जिंदाबाद जिंदाबाद, पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेंशन स्कीम खत्म की जा चुकी है, पुरानी पेंशन और एनपीएस से सबको लागू किए जाने का आदेश हो चुका है। हम शिक्षकों और कर्मचारियों के सामूहिक रूप से मांगे हैं संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के माध्यम से कि हमें पुरानी पेंशन हर हाल में लागू की जाए। दिनेश मणि मिश्र, अध्यक्ष संयुक्त संघर्ष संचालन समिति उत्तर प्रदेश गोरखपुर। विगत कई वर्षों से हम लोग शिक्षक और कर्मचारी सामूहिक रूप से आंदोलनरत हैं और हम कर्मचारियों की मूल मांगे हैं कि हमारा पुराना पेंशन स्कीम जो है बहाल किया जाए और एनपीएस किसी भी दशा में लागू न किया जाए, क्योंकि एनपीएस की जो दुर्दशा वर्तमान में वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो हम शिक्षकों और कर्मचारियों को चाहिए। इसके लिए प्रदेश स्तर पर संयुक्त संघर्ष समिति संचालन का निर्माण हम लोगों ने किया है, जिसके आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष पंडित श्री एस पी तिवारी जी हैं और प्रदेश महामंत्री श्री आर के निगम साहब जी हैं और इसमें पूर्व रिटायर्ड पीसीएस अफसर श्री बाबा हरदेव सिंह जी हम लोगों के संयोजक हैं। किसी भी दशा में हम लोगों का नारा है, करेंगे या मरेंगे पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। हर हालत में हम शिक्षकों और कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम से आच्छादित होना है, इसके लिए आंदोलन निरंतर चलेंगे। इसके बाद अभी हमारा ये प्रदर्शन है, 16 तारीख से 20 तारीख के बीच हम लोगों ने कर्मचारियों की आम सभा रखी है, स्थान तय कर लेंगे, उसके बाद आवश्यकता पड़ी तो हम लोग प्रदेशव्यापी हड़ताल पर भी जाने का काम करेंगे।